हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग, हम कहीं पे घूमने नहीं जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कहाँ कहाँ पे घूमने जा सकते हैं। तो बात ये है कि अभी नया साल का दौर चल रहा है, पिकनिक तो हर किसी को, मतलब आपके ऑफिस के थ्रू हो सके या आपके दोस्तों के साथ हो सके या आपके फैमिली के साथ हो सके, तो आप जाना पसंद करेंगे, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि तो क्यों ना हम एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि भुवनेश्वर में, नियर टू भुवनेश्वर 100 टू 150 या मैक्सिमम 200 किलोमीटर के बीच में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और आपको ये थोड़ा आसान हो जाएगा कि पता करने की हम जा रहे हैं तो कब तक हम रिटर्न कर सकते हैं। तो उस मकसद से ये ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। अगर आप भुवनेश्वर से अगर वन डे का ट्रिप चाह रहे हैं या पिकनिक करना चाह रहे हैं या फीस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ ऑप्शन हम, मतलब जैसे कि भुवनेश्वर सेंटर में तो चारों तरफ में हम एक रेडियस ले लेते हैं 200 किलोमीटर का रेडियस, उसके बीच में बात करते हैं। सबसे पहले जो वो बात आएगा, तो सबसे पहले हम लोग के, मतलब मेरे हिसाब से अगर हम नियर बाई भुवनेश्वर में देखेंगे तो सबसे पहले रहेगा हमारा पटिया के पास जो है शिखर चंडी, वहाँ पर आप जाके फीस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा जयदेव वाटिका, जयदेव वाटिका में जा सकते हैं। उनका कुछ पिंडी के हिसाब से कुछ चार्जेस रहते हैं और एंट्री का कुछ चार्जेस रहते हैं, वो आप बियर कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। तीसरी जगह पे है धौली, धौली के पास तो नहीं है, धौली के नीचे जो पहाड़ है या जो भी है या नदी जो पास में है, वहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हैं या फिस्ट कर सकते हैं। ये रह गया भुवनेश्वर के अंदर। हाँ, मेन चीज़ और एक है जयदेव पीठो, जो कि भुवनेश्वर से करीबन 15 किलोमीटर दूर, आप रसूलगढ़ से अगर लेंगे तो टूवर्स ये बालियंता दे के आगे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक प्लेस है, मतलब जो कि उड़िया के फेमस कवि जयदेव, उनका एक पार्क है, आप वहाँ पे भी जाके फिस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत जगह है, शायद मैं कहीं मिस कर रहा हूँ, तो अगर वो है तो आप उसे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि लोगों जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तो ये रह गया भुवनेश्वर के पास। तो भुवनेश्वर से हम लोग अगर थोड़ा बाहर जाते हैं, तो जैसे कि अगर हम पूरी साइड में जाएंगे, तो पूरी साइड में आपको सबसे पहला नाम, मतलब जो चीज़ आता है वो आता है रामचंडी, कोणार्क मतलब जो बीच है उसके आगे रामचंडी है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, वो फीस्ट करने के लिए बहुत ही फेमस है, अगर सबको वो चीज़ के बारे में पता है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा अस्तरंग, ये जो कि भुवनेश्वर से अराउंड 70 किलोमीटर दूर पे, अगर यहाँ पे आप जा रहे हैं आपको कुछ लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप खाना बनाने के लिए यूटेंसिल्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मतलब राशन भी मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, आपको बस जाना है, मतलब खाना बनाना है, फीस्ट करना है और बस से रेडी होके आना है, वो है एक सबसे बेस्ट प्लेस। उसके बाद अगर आप थोड़ा दूर हो जाएंगे तो वो है सातपड़ा, जो कि पूरी से और 25 किलोमीटर आगे वो है सातपड़ा। सातपड़ा में भी वन डे का ट्रिप रहेगा, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप बोटिंग करके चिल्का से वो आइलैंड तक जाएंगे, वहाँ पे फीस्ट करेंगे और रास्ते में आपको अगर नसीब में रहा तो वहाँ पे आप डॉल्फिन देख सकते हैं। तो ये हो गया पूरी साइड की तरफ। पूरी साइड में और एक चीज़ है, वो है सब, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है, आप उसे बोल सकते हैं बाली हरिचंडी। आप ये रामचंडी से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है बाली हरिचंडी, मतलब ये पूरी से जब जा रहे होंगे, मतलब करीबन ये आपको करीबन 15 से 20 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। और ये प्लेस का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ इसमें मुझे क्या लगता है ना, आप जहाँ पर फिस्ट करेंगे वो तो एक जंगल है, उसके बीच में छोटा सा नदी है, वो नदी को ना आप बोट से आपको उस तरफ पार होके जाना है, उसके बाद एक छोटा सा जंगल पड़ेगा, वो जंगल को क्रॉस करने के बाद आपको समुंदर मिलेगा, और वो समुंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह वाला नहीं है, बहुत ही साइलेंट प्लेस है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं ना, आपको बहुत ही सुकून और बेस्ट टाइम, और मतलब अपना वाला टाइम मिलेगा, मतलब यू एंड मी वाला टाइम वहाँ पर मिलने वाला है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और दूसरा, अभी हम लोग आते हैं, अगर हम लोग ये गंजाम के साइड में आते हैं तो दूसरा चीज़ हो गया बरुणई। आप अगर भुवनेश्वर को क्रॉस करेंगे, खुर्दा के पास आपको मिल जाएगा बरुणई, वहाँ पे आप फीस्ट कर सकते हैं। अगर और थोड़ा आगे और जाएंगे तो आपको हो गया रणोपुर, मतलब आपने बहुत देखा होगा ये वीडियो में, बहुत ट्रेंड हुआ है बीच में, मणि नागेश्वर, मतलब मणि नागेश्वरी की ऐसा कुछ रणपुर में है, वो बहुत ही फेमस प्लेस है, आप वहाँ पे भी फीस्ट कर सकते हैं। पहाड़ के ऊपर देवी माँ का पूजा किया जाता है, आप नीचे
फिस्ट कर सकते हैं। अगर और थोड़ा और आगे जाएंगे तो नयागढ़, नयागढ़ में प्लेस आपको भरपूर मिलेगा, आप जहाँ जाएंगे वहाँ रुक के फिस्ट कर सकते हैं। पर वहाँ पे एक बहुत कुछ सालों में एक नया वाटरफॉल को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है सिमली वाटरफॉल। वहाँ पे आप आराम से बैठ के मतलब फिस्ट कर सकते हैं। वो हो गया नयागढ़ के साइड। अगर आप इस साइड जा रहे हैं गंजाम के साइड, गंजाम में आपको सबसे पहले आप रास्ते में पड़ता है माँ का मंदिर है उग्रतारा टेम्पल, आप वहाँ पे भी फिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी मतलब जहाँ जहाँ पे भी माँ का मंदिर आता है ना वहाँ पे आप मतलब मछली और चिकन जैसा मतलब नॉनवेज आइटम का फिस्ट कर सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और आगे अगर आप आ रहे हैं तो वो है चिल्का लेक बरकुल पंथ निवास, वहाँ पे आप फिस्ट कर सकते हैं। वहाँ से काली जाइए आप घूम के आ जाइएगा, मतलब खाना बनाने के लिए जिसको लिए हैं अगर साथ में गए होंगे तो वो जब खाना बना रहा होगा तब तक आप जाके कालीजाई घूम के आ जाएंगे। कालीजाई घूम के आते वक्त आपका खाना रेडी हो जाएगा, आप आराम से फिस्ट करके आ सकते हैं। वहीं के आसपास, वहीं से पास में और 5 किलोमीटर आगे जाएंगे वहाँ पे है नारायणी टेम्पल। नारायणी टेम्पल पूरा का पूरा फिस्ट के लिए फेमस है। पहाड़ के ऊपर देवी माँ का मंदिर है, नीचे अब वहाँ पर बहुत मात्रा में लोग जाते हैं फिस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर आप जाएंगे आराम से फिस्ट करके आ पाएंगे। तो ये हो गया एक प्लेस। तो अभी हम दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं, वो हो गया बरहमपुर। अगर आप बरहमपुर जा रहे हैं, बरहमपुर में उससे आगे गजपति नगर, गजपति डिस्ट्रिक्ट की तरफ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा मतलब क्या बोलते हैं गोंडाहाती वाटरफॉल, वहाँ पे आप फिस्ट कर सकते हैं। रिटर्न के टाइम पे आप जीरांग मोनेस्ट्री को विजिट करेंगे, वहाँ के पास एक वाटरफॉल है खसड़ा वाटरफॉल, उसको विजिट करके आप रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप गंजाम में है एक टॉप्तापाणी, वहाँ पे भी आप जाके फिस्ट कर सकते हैं। हम दूसरे साइड पे आते हैं, जैसे कि कटक के साइड से होके अगर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे बेस्ट प्लेस एक चीज़ है जो भी है माँ तारिणी का पीठो, वहाँ पे जाएंगे। पर वहाँ के उससे पास ही 10 किलोमीटर के अंदर एक वाटरफॉल है, तो वो वाटरफॉल में आप जाके वहाँ फिस्ट कर सकते हैं। और घूमने के लिए सान्ना घाघरा बड़ा घाघरा वहाँ पे है ही है। उसके बाद अगर आप मतलब यहाँ कटक आठगढ़ के साइड में आते हैं, कटक के आठगढ़ के साइड में आपको मिल जाएगा साइड में जा रहे हैं वहाँ पे आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, वो है देवझर वाटरफॉल। वो बहुत ही फेमस है, हाथी भी वहाँ पे जाना करते हैं। तो उसका सजेशन ये है कि आप वहाँ 10 बजे तक पहुँचिए, शाम के 4 बजे तक वहाँ निकलिए, पर आप पूरा नेचर को मस्त से इन्जॉय करने वाले हैं। तो ये एक हो गया वन डे। वहाँ उसके पास और एक मंदिर है, एक मंदिर है जिसका नाम है भट्टारी का टेम्पल या भट्टारी का मंदिर, वो भी देवी माँ का मंदिर है। वो महानदी के बगल में है, महानदी को लग के वो मंदिर है। वहाँ पे भी अगर जाएंगे आपको एक दिन का फिस्ट मतलब वहाँ से करके भी आ सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने आपको जितना भी चीज़ बताया ये सारे जो प्लेसेस है आप एक दिन में जाके सुबह जाके शाम तक मतलब फिस्ट करके रिटर्न आ सकते हैं। ये सारे चीज़ था मैं आपको ये ब्लॉग के थ्रू आपको बताना चाह रहा था या बताने की कोशिश की गई है। पर इससे भी बहुत ही सुंदर सुंदर उड़ीसा में प्लेस है और हम सब लोग अभी तक भी मतलब बहुत चीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। कुछ कुछ लोग जो लोकल लोग हैं वो अभी यूट्यूब में डाल रहे हैं, डिस्कवर हो रहा है, फिर लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वैसे ही अगर आपके एरिया में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके एरिया में कुछ ऐसा प्लेसेस है जो अभी तक डिस्कवर हुआ नहीं है और या मेरे तरफ से कुछ छूट गया है तो आप उसे कमेंट पर बताइए ताकि हम लोग कभी टाइम मिला तो विजिट ज़रूर करेंगे, या तो मैं नहीं किया तो और दूसरे यूट्यूबर्स जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं वो आपके ये प्लेस को विजिट करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए ये ब्लॉग को यहाँ पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।